मथुरा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह का ये पूरा मामला, हिंदू महासभा ने कोर्ट से मांगी अनुमति, सिविल जज की अदालत में दिया प्रार्थना पत्र, हिंदू महासभा ने कोर्ट से अनुमति मांगी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सिविल जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है। ईदगाह में गर्भगृह को पवित्र करने की मांग की गई है, हिंदू महासभा ने कोर्ट से अनुमति मांगी है। मथुरा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ईदगाह में गर्भगृह को पवित्र करने की मांग यहां पर की गई है, प्रार्थना पत्र दिया गया है। पत्र आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ईदगाह में गर्भगृह को पवित्र करने की मांग की जा रही है। हिंदू महासभा ने कोर्ट से अनुमति मांगी है पवित्र करने की, सिविल जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया, और ये पत्र भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज हमने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि जो प्राचीन स्थान है, जो प्राचीन गर्भगृह है जहाँ हमारे कान्हा का जन्म हुआ था, उसको अब कथित ईदगाह कहते हैं। तो उस ईदगाह परिसर को हम गंगा जल और यमुना जल से धोना चाहते हैं, उसको शुद्ध करना चाहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने उसमें 1 जुलाई की डेट लगा दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, मैं आपका रुख करूंगी। हिंदू महासभा ने कोर्ट से अनुमति मांगी है, गर्भगृह को पवित्र करने की यहाँ पर अनुमति मांगी गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दूं मैं कि ये मामला जो है श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह का है, और कल इसमें एक रिट दायर करी थी इन्होंने, हिंदू महासभा ने, जो कि हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा, इन्होंने एक रिट दायर करी थी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में कि हमें जो है जो गर्भगृह है श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर, उसमें उस गर्भगृह में हमें यमुना से और गंगा जल से और यमुना जल से उसका स्नान करना है और अभिषेक करना है। ये इन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया है, और जिसमें सिविल जज की अदालत ने इस प्रार्थना पत्र की 1 जुलाई तारीख जो है नियत कर दी है, और देखना अब ये है कि 1 जुलाई को कोर्ट का क्या फैसला आता है। और भी कई रिट ऐसी हैं जो 1 जुलाई को का फैसला आना है, 1 जुलाई को उन रिटों पर, और उस 1 जुलाई में ये देखने को मिलेगा कि अदालत का क्या फैसला आता है, और सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत और जिला जज की अदालत से क्या फैसला आता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ईदगाह में गर्भगृह को पवित्र करने की मांग की जा रही है।